पुष्पा आई हेट टीयर्स। जी हाँ दोस्तों, आपने सही पहचाना, हम बात कर रहे हैं एक प्यारी सी मुस्कान और लाखों हसीनाओं के दिल पर राज करने वाले रोमांस के बादशाह राजेश खन्ना साहब की, जिन्हें पूरी दुनिया काका के नाम से पुकारती थी। भले ही बॉलीवुड की ये महान हस्ती अब हमारे बीच ना हो, लेकिन इन्होंने अपनी फिल्मों के जरिए दर्शकों को जो प्यार की भाषा सिखाई है वो शायद कोई ही एक्टर सिखा पाएगा। वैसे दोस्तों, आप इनके बारे में तो सब कुछ जानते होंगे, लेकिन आज हम आपको इनके हैंडसम बेटे के बारे में बताने वाले हैं, जहां आप जानेंगे कि इनके बेटे कौन हैं, क्या करते हैं और कैसे दिखते हैं। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं इन दिलचस्प सवालों के जवाब, तो हमारे साथ बने रहिए वीडियो के एंड तक। बॉलीवुड के किंग ऑफ रोमांस के नाम से मशहूर अभिनेता राजेश खन्ना का जन्म 29 दिसंबर 1942 को अमृतसर, पंजाब में हुआ था। इन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई सेंट सैम्पटियन गोवन हाई स्कूल से की और नोरोसाजी वाडिया कॉलेज पुणे से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की। इन्होंने साल 1967 में आई फिल्म आखिरी खत से हिंदी सिनेमा में कदम रखा था, जिसमें इन्होंने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया और दर्शकों के दिलों में अपनी एक अलग छाप छोड़ी। साल 1969 में रिलीज हुई रोमांटिक फिल्म आराधना में इन्होंने अपने किरदार को इतनी खूबसूरती से बड़े पर्दे पर पेश किया था कि इस फिल्म ने इन्हें सुपरस्टार बना दिया। इनके इसी शानदार प्रदर्शन को देखते हुए कई बड़े फिल्म निर्माताओं ने इन्हें अपनी फिल्म में काम करने के ऑफर दिए, और उन ऑफर को स्वीकार करते हुए राजेश खन्ना और मिलो सजना, कटी पतंग, अवतार, दुश्मन, हाथी मेरा साथी और दो रास्ते जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में काम करते हुए नजर आए। और कई सालों तक इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया और दर्शकों से लोकप्रियता हासिल की, लेकिन बढ़ती हुई उम्र की वजह से इनकी तबीयत खराब रहने लगी थी, जिसकी वजह से इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री से दुनिया बना ली थी। इन्हें आखिरी बार साल 2014 में फिल्म रियासत में गॉडफादर डॉन साहेब का किरदार निभाते हुए देखा गया था, जिसके 2 साल पहले ही कैंसर की वजह से इनका निधन हो गया था। अब आखिर में बात की जाए इनके बेटे के बारे में, तो आपको बता दें इनका अपना कोई बेटा नहीं है। इनकी केवल 2 बेटियां हैं, जिनका नाम रिंकी और ट्विंकल खन्ना है। लेकिन इन्हें कोई गम नहीं था कि इनका अपना कोई बेटा नहीं था, क्योंकि अपने दामाद को ही अपना बेटा मानते थे, जिनका नाम अक्षय कुमार है, जो इनकी बेटी ट्विंकल खन्ना के पति हैं। बता दें कि अक्षय कुमार बॉलीवुड के खिलाड़ी के नाम से जाने जाते हैं। इन्होंने बॉलीवुड को कई सुपरहिट फिल्मों से नवाजा है, जिनमें मोहरा और हाउसफुल जैसी सुपरहिट फिल्मों के नाम शुमार हैं। राजेश खन्ना अपने दामाद को भी अपने सगे बच्चों की तरह प्यार करते थे, बेशक इन्होंने साथ में समय ना बिताया हो, पर उस थोड़े समय में ही राजेश खन्ना ने इन्हें इतने अच्छे से समझ लिया था कि ये उन्हें अपना बेटा ही मानने लगे थे। और जब राजेश खन्ना की तबीयत खराब हुई, तो सबसे ज्यादा ध्यान अगर किसी ने इनका रखा तो वो थे अक्षय कुमार, जो हर समय में इन्हीं के पास रहा करते थे और उनकी देखभाल करते थे। और जब इनका निधन हुआ तो सबसे ज्यादा दुख अक्षय कुमार को ही हुआ था। इन सब से पता चलता है कि अक्षय कुमार और राजेश खन्ना के बीच काफी अच्छा रिश्ता था। हालांकि इन दोनों के बीच दामाद और ससुर का रिश्ता था, लेकिन इन्होंने हमेशा से ही बेटे और पिता के रिश्ते को निभाया था। तो दोस्तों, आप इन ससुर दामाद की जोड़ी के बारे में क्या कहना चाहेंगे, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी और दिलचस्प बातों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।